बरेली में खुलेआम बन रही जहरीली कच्ची शराब। फरीदपुर कोतवाली क्षेत्र में नहीं रुक रहा जहरीली शराब का कारोबार। स्थानीय पुलिस की सरपरस्ती में चलता है कच्ची शराब का कारोबार। खुलेआम धधक रही जहरीली शराब की भट्टियां। पुलिस प्रशासन व आबकारी विभाग जानते हुए भी बन रहा अनजान। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार अवैध रूप से बनने वाली कच्ची शराब को लेकर सख्त रवैया अपनाए हुए है, वहीं बरेली जिले के फरीदपुर में कच्ची शराब बनाने वाले बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ग्राम इनायतपुर में घरों में कच्ची शराब जमकर बनाई व बेची जा रही है। ये लोग बिना किसी प्रशासनिक डर के विगत कई वर्षों से इस धंधे में लिप्त हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की कोतवाली फरीदपुर क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर सहित इलाके के करीब दर्जन भर गांवों में अवैध कच्ची जहरीली शराब का कारोबार स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की सांठ गांठ से गोरख धंधे का रूप ले चुका है। फरीदपुर कोतवाली क्षेत्र में आने वाले करीब दर्जन भर गांवों में खुलेआम जहरीली शराब की भट्टियां धधकती हैं। ग्राम इनायतपुर सहित कई ऐसे गांव हैं जहां अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने का धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। इन गांवों में जहरीली शराब बनाने का धंधा कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। बता दें कि इनायतपुर गांव अवैध कच्ची जहरीली शराब के लिए कुख्यात है। पूरा गांव जहरीली कच्ची शराब के व्यापार में लिप्त है। बताते हैं कि पुलिस और आबकारी विभाग के संरक्षण में जहरीली शराब का धंधा परवान चढ़ा हुआ है। कोतवाली क्षेत्र में इनायतपुर सहित दर्जन भर से अधिक गांव ऐसे हैं जहां खुलेआम गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। इनायतपुर गांव की महिलाएं इस कारोबार में मुख्य भूमिका निभाती हैं। गांव की महिलाएं ही शराब निकालती हैं और घरों में बेचती हैं। बताया जाता है कि इस धंधे में और तेजी लाने के लिए शराब में भांग के पत्ते, धतूरा, ईस्ट वगैरह कई सामग्रियां मिलाते हैं, जिससे शराब का स्वाद और तीखा हो जाता है और शराब अधिक नशीली होने के साथ ही जहरीली हो जाती है। इसी जहरीली कच्ची शराब को पीकर आए दिन लोग असमय ही जान गंवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद खाकी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सूत्र बताते हैं कि इसके एवज में पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा कारोबारियों से प्रति माह एक निश्चित रकम वसूल की जाती है। महज कुछ रुपयों की लालच में ये खाकी वर्दीधारी गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं भैया इनकी हजार बार पीके गया। अरे क्या पीजे आता है? अच्छा आता नहीं, जानती है मुझे। मैं आज अब आया नहीं हूँ एक साल से। बताओ जितनी बात है। हमेशा ही देखती थी। हमें लगभग 10 बोतल चाहिए। 10 50 की जाएगी और बहुत बढ़िया चाहिए जो सबसे अच्छी क्वालिटी। भाभी अभी ऐसा है ना, कंप्लेन इनको सारी भाभी इनको दारू बहुत मस्त है।